दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं और दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों हमारी थ्री फेज जो मोटर होती है आपने कुछ इस तरीके से उस पर 6 पॉइंट बने हुए देखेंगे। जहां हम अपनी मोटर के कनेक्शन करते हैं दोस्तों वहां आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों 6 पॉइंट। और दोस्तों इस पे अक्सर हम दो तरीके से कनेक्शन करते हैं। एक कनेक्शन करते हैं हम इसको इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपनी लाइन जोड़ देते हैं यानी कि आर वाई बी कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों एक कनेक्शन हमारे इस तरीके से देखने को मिलेंगे मोटर पर जो हमारी थ्री फेस मोटर होती है दोस्तों, कोई भी थ्री फेस मोटर हो सकती है। तो उस पर हम इस तरीके से दोस्तों यहाँ पत्ती लगी होती है दोनों को इनको आपस में कनेक्ट करती है और यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों इसके आर वाई बी। तो दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन यानी कि स्टार कनेक्शन हो गया और ये हो गया दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों हम आपको ये आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब हम अपनी मोटर को डेल्टा में चलाएंगे और कब हम अपनी मोटर को स्टार में चलाएंगे। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको कुछ हम इस तरीके से समझ लेते हैं। जो हमारी मोटर होती है दोस्तों उसके अंदर कितनी टोटल 3 वाइंडिंग होती है और 3 वाइंडिंग होती है तो हर एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं दोस्तों, एक स्टार्टिंग सिरा होता है एक एंड वाला सिरा होता है, तभी हमारे टोटल मिला के ये 6 पॉइंट निकलकर आते हैं सामने दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये जो 3 वाइंडिंग है इसको हम कौन से पे क्या जोड़ने वाले हैं। दोस्तों स्टार कनेक्शन का बहुत ही सिंपल है कि इसको हम इसको ऐसे तरीके से शॉर्ट कर देते हैं इसकी तीनों वाइंडिंग को आपस में और यहाँ पे हम सीधे कनेक्शन कर देते हैं आर वाई बी, यानी कि एक फेस में हमारा कितना करंट आता है दोस्तों 220 यानी कि 240। अगर हम स्टैंडर्ड मांगे तो 240 मान लेते हैं कि एक फेस पे हमारे 240 आ रहा है, 215 220 तक आ सकता है दोस्तों वही हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा पे हम क्या करते हैं दोस्तों हर एक बाइंडिंग पे 2 फेस देते हैं। 2 फेस किस तरीके से जुड़ते हैं दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल है, इसको भी समझना कुछ इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, एक बाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा हो गया, एक एंड वाला सिरा हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि मोटर की प्लेट पे ये किस तरीके से दिए होते हैं दोस्तों 6 पॉइंट हो गए हमारे, ये 6 पॉइंट हो गए, आपने देखा होगा यू वी डब्ल्यू कुछ इस तरीके से लिखा होता है दोस्तों, ये सिर्फ इसकी पहचान के लिए लिखा होता है, कोई उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं होता, कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो ये जो आसान हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए यू लिख देते हैं, यहाँ वी वन होता है दोस्तों, यहाँ डब्ल्यू वन होता है दोस्तों ये तो 3 सिरे होगी। अब इसको मैं मान लू ये यू मेरा यू वन है, ये मेरा वी वन है और ये मेरा डब्ल्यू वन है, ये तीनों सिरे हो गए। अब दूसरे सिरे की बात करें तो ये हमारा कितना हो गया यू टू हो गया यानी कि दूसरा सिरा इसका, और ये हो गया हमारा वी टू और ये हो गया हमारा डब्ल्यू टू दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो सीधा आ गया सिंपल, लेकिन यहाँ पे घुमा के इसको लाया जाता है दोस्तों, क्योंकि वी के सामने यू के सामने हम यू नहीं लाते, यू को लाते हैं हम यू के सामने लाएंगे हम वी को दोस्तों, क्योंकि वी का एक सिरा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं मोटर की जो प्लेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वी का सिरा यहाँ पे कनेक्ट होता है और वी का दूसरा सिरा वी टू यहाँ पे है दोस्तों, वी वन तो यहाँ पे है और वी टू आएगा यहाँ पे दोस्तों। इसी तरीके से यू यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा डब्ल्यू टू, सॉरी दोस्तों वी वन यहाँ पे आ गया, यू वन यहाँ पे आ गया, वी वन यहाँ पे आ गया और डब्ल्यू वन यहाँ पे आ गया, यानी कि बाइंडिंग का एक सिरा तो यहाँ पे आ गए और दूसरे सिरे आ गए यहाँ पे दोस्तों। ये जो वी वन यहाँ पे है ये हमारा आएगा वी टू यहाँ पे और डब्ल्यू वन जो यहाँ पे है हम डब्ल्यू वन यहाँ पे जोड़, मतलब यहाँ पे जो नेम पर मोटर की जो प्लेट है कनेक्शन वाली उसमें यहाँ पे जोड़ा हुआ होता है, अंदर से जो बाइंडिंग घूम कर आती है वो यहाँ पे होती है दोस्तों। और इसी तरीके से दोस्तों ये जो बचा हमारा यू वन, हम यू वन यहाँ पे लाके जो हमारी मोटर की प्लेट है उस पर हम कनेक्ट कर देते हैं यू टू, यू वन यहाँ हो गया यू टू यहाँ हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे आपस में शॉर्ट करके कनेक्शन करके चलाते हैं ना दोस्तों, जो हमारा डेल्टा होता है तो डेल्टा में कुछ इस तरीके से हम, और यहाँ से एक वायर आती है और एक वायर ये हो गई तो हम कनेक्ट कर देते आर वाई बी। तो अब किस तरीके से कनेक्शन हो गए दोस्तों इनके, सिंपल सा हो गया, बहुत ही समझना आसान हो गया इसको, क्यों देखो हमारा डब्ल्यू वन हो गया, डब्ल्यू वन पे हमारा क्या है बी है और डब्ल्यू वन पे हम यहाँ बी जुड़ेगा और इसके सामने कौन सा है यू टू है दोस्तों, यू वन यहाँ होगा यू टू, तो एक बी यहाँ पे जुड़ गया हमारा क्योंकि ये दोनों सिरों पे कनेक्ट हो गया आपस में बी वाला फेस, और इसी तरीके से वाई वाला फेस डब्ल्यू टू पे कनेक्ट हुआ है एक, तो डब्ल्यू टू कौन सा हमारा ये वाला, क्योंकि हम यहाँ आपस में इनको सामने ला रखा है इजी करने के लिए, और एक हमारा कौन सा हो गया वी वन और हमारा यू वन पे भी आर है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आर है, सॉरी दोस्तों ये आर है क्योंकि यू वन है, यू वन हमारा वी टू के सामने है तो यहाँ पे आर है हमारा और वी टू पे भी क्या है हमारा आर है दोस्तों। और इसी तरीके से V1 पे क्या है दोस्तों, जो V1 था हमारा उस पे क्या है V1 पे भी क्या है दोस्तों हमारा Y है, V1 पे क्या है दोस्तों Y, तो कुछ इस तरीके से हो गया R Y B, और यहाँ पे भी हो गया हमारा R V2 पे चला गया, B चला गया U2 पे और
वाई चला गया डब्ल्यू पे, यानी कि हर एक पे, देखो दोस्तों अब हर एक बाइंडिंग पे दो फेज चले गए, तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा कनेक्शन दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हम दो जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारी सप्लाई भी ज्यादा जाएगी, यहाँ पे हमारी कितनी जाएगी दोस्तों पूरी 440 वोल्ट जाएगी, और डेल्टा में क्या हो रहा था दोस्तों हमारा 220 वोल्टेज जा रहा था। तो दोस्तों हम अब ये जानेंगे कि हम किस सिचुएशन में अपनी मोटर पर स्टार कनेक्शन करेंगे और किस सिचुएशन पर हम अपनी मोटर पर डेल्टा कनेक्शन करेंगे। दोस्तों आप मोटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो आप जानते हो दोस्तों, हमारी कोई जो रोटर होती है जब उसमें हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें क्या हो, उसमें जब सप्लाई देते हैं तो हमारी रोटर जो होती है उसके अंदर क्या मैग्नेट बनती है दोस्तों, मैग्नेट बनती है। अगर मैं 220 सप्लाई दूंगा तो दोस्तों इसी हिसाब से कम मैग्नेट बनेगी, और मैं दूंगा एक एक हमारी जो बाइंडिंग है उस पर डबल फेस दे देंगे तो हम क्या होगा हमारी ज्यादा मैग्नेट बनेगी, क्या होगा दोस्तों बहुत ज्यादा मैग्नेट बनेगी, ज्यादा मैग्नेट बनेगी, यानी कि ज्यादा लोड चाहिए इसके लिए हमको, क्या चाहिए ज्यादा लोड। अगर हमारा लोड पूरा है मोटर पर तो क्या हम डेल्टा में कनेक्शन करेंगे, अगर हमारी जो मोटर है उस पर 20-25% लोड है तो उसके कनेक्शन हम किस में करते हैं दोस्तों डेल्टा में, सॉरी दोस्तों स्टार में करते हैं। और वही अगर हमारी जो मोटर है उस पर फुल लोड है, यानी कि फुल लोड है, फुल लोड भी ना हो 80-90% भी लोड है, तो उसके कनेक्शन हम किस में करते हैं दोस्तों डेल्टा में करते हैं। तो दोस्तों आप ये कैसे समझोगे कि हमारी मोटर पर कितना लोड है और कितना नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है समझना। दोस्तों देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हम डबल फेस देंगे तो मैग्नेट ज्यादा बनेगी, मैग्नेट ज्यादा बनेगी तो जिस कारण क्या होगा हमारा जो मोटर है, हमारे मोटर पर लोड है 20-25% दोस्तों, इसकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं 20-25% लोड अपनी मोटर पर डाल रहा हूं और मैं उसको डेल्टा में चला रहा हूं तो जिस कारण क्या होगा एफिशिएंसी उसकी डाउन हो जाएगी दोस्तों। ये एफिशिएंसी क्या होती है इसको समझने के लिए मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है एफिशिएंसी के लिए, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, आप नहीं जानते एफिशिएंसी क्या होती है तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा वो वीडियो, चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा एफिशिएंसी क्या होती है और पावर फैक्टर क्या होता है, कुछ इस तरीके से लिखा रहा होगा, तो वो मैंने उसी बारे में बात करी है एफिशिएंसी किस चीज को बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा हमारी, अगर हम मैं अपनी मोटर पर 20-25% लोड है और मैं उस पर डेल्टा कनेक्शन जोड़ देता हूं तो इससे क्या होगा हमारे मोटर की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या होती है मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, एफिशिएंसी होती है यानी कि मैंने अपनी मोटर को, मेरी मोटर करंट तो 100% ले रही है, मैं जब उसको डबल फेज दे रहा हूं तो करंट तो पूरा 100% ले रही है, लेकिन क्या कर रहा है उस पर लोड 20-25% लोड है दोस्तों। तो क्या होगा जिस कारण, यानी कि करंट तो वो पूरा ले रही है लेकिन मेरे को जो आउटपुट में दे रही है वो 20-25% ही लोड मैंने कनेक्ट किया है, मेरी चक्की हो सकती है या मेरी मोटर की पंप हो सकती है या कुछ भी लोड है, मैं कुछ भी लोड चला रहा हूं दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तो 100% लोड दे रहा हूं उसको डेल्टा में और मेरे को कितना मिल रहा है आउटपुट में 20-25%, जिस कारण क्या हो रहा है एफिशिएंसी उसकी डाउन हो रही है। तो दोस्तों मेरे को तुरंत क्या करना है उसको स्टार में कनेक्शन कर देना है अगर मेरी मोटर पे लोड 20-25% है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए दोस्तों, इसको कुछ एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसके लिए समझने के लिए। मान लेते हैं मेरी कोई 5 किलोवाट की मोटर है, 5 किलोवाट की मोटर है, मेरी मोटर कितना लोड ले रही है हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, इसके लिए मैंने सिंपल, अगर मैं फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है कि मोटर का एम्पियर किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताया था। अगर मेरे 415 वोल्टेज है, 415 थ्री फेज में 415 वोल्टेज होने चाहिए, थ्री फेज होने चाहिए, तो हमारी हम क्या करेंगे मोटर का करंट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, मैं 5 किलोवाट को अपने किससे गुना कर दूंगा 1.7 से। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है शॉर्ट फॉर्मूला है, ये सिर्फ कब लागू होता है, अगर मेरे 415 वोल्टेज है और थ्री फेज सप्लाई है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल होता है निकालने के लिए 1.7 से गुना कर दो अपने किलोवाट को, तो इसका कुछ निकल कर आएगा दोस्तों 8.5 एम्पियर दोस्तों, ये आ गया इसका 100% लोड यानी कि फुल लोड। आपको क्या करना है अपनी मोटर पे चेक करना है कि कितना करंट है, अगर मेरा करंट है 7 से 8 एम्पियर आ रहा है, 8.5 एम्पियर, मेरी मोटर कितना ले रही, 5 एम्पियर या 6 एम्पियर ले रही या इससे भी कम 3 या 4 एम्पियर ले रही, तो हमको चेक करना है कि कितने परसेंट लोड निकल कर आता है। दोस्तों मैं इसका 20% निकाल लेता हूं, 8.5 का 20% निकाल लेता हूं, तो हमको कब अपनी मोटर पे कनेक्शन करेंगे दोस्तों 20% निकालने के लिए, हम सिंपल करते हैं, हम 20/2200 और इनटू 8. जो हमारी वैल्यू है जिसका हमको 20% निकालना है, अगर मेरे को इसका 25% निकालना होता तो मैं यहाँ पे 25 लिख लेता, अगर मेरे को 30% निकालना होता मैं यहाँ पे 30 लिख लेता, तो दोस्तों इसका निकल कर आ रहा है 1.7 एम्पियर दोस्तों। अगर आपकी मोटर इतने तक करंट ले रही है, यानी कि ये मेरी जो 20% करंट ले रही है, मान लेते हैं कि मैं 20% मेरी
जो मोटर है मैंने उस पर डेल्टा कनेक्शन किया है, लेकिन मेरी मोटर फुल लोड पर नहीं चल रही है। मैं एक पद निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना लोड है मेरी मोटर पर। फुल लोड तो इसका निकल कर आ गया, लेकिन मैं अभी निकालता हूँ 20% कितना है इसका। 20% हो गया दोस्तों 1.7 एम्पियर। अगर आपकी मोटर 1.7 एम्पियर करंट ले रही है या इससे कम ले रही है, या इतना तो नहीं लेना चाहिए, यानी कि 20% लोड है तो इतना तो लेगी। अगर इससे भी कम ले रही है, या हमारा जो 8.5 है, मैंने बहुत बताया था आपको 5 से 6 एम्पियर, यानी कि आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना। अगर 5 किलो वाल्ट की मोटर है तो कम से कम 20 से 25% लोड है। अगर 50% लोड है, 50 से 60% लोड है, तो आप चला सकते हो डेल्टा में। अगर आपका लोड 40% से नीचे है, तो आपको तुरंत अपनी मोटर के कनेक्शन क्या करने हैं, डेल्टा में, सॉरी दोस्तों स्टार में कर देने हैं, नहीं तो आपकी जो बाइंडिंग है वो मोटर जल जाएगी। क्यों दोस्तों? देखो लोड नहीं है उस पर, लेकिन उसमें मैग्नेट, जब ये पूरे दो फेज जाएंगे ना, तो मैग्नेट बहुत ज्यादा बनेगी, जिस कारण वो क्या, अगर उस पर लोड होगा तो वो लोड में उसको कन्वर्ट कर देगी। क्या मैग्नेट को ज्यादा भी चाहिए हमको? जब लोड है तो क्या चाहिए? ज्यादा मैग्नेट चाहिए अपनी जो हमारी रोटर है उसको घुमाने के लिए, ज्यादा मैग्नेट चाहिए। और जब उस पर लोड नहीं है दोस्तों, तो उसमें हिसाब से ज्यादा लोड चला, करंट चला जाएगा, जिस कारण क्या होगा, हमारी मोटर पर लोड तो है नहीं, जिस कारण क्या होगा, हमारी बाइंडिंग जलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, तुरंत अपनी मोटर के कनेक्शन हटा के उसको स्टार में कनेक्ट कर देना चाहिए दोस्तों। तो आई होप समझ गए होगे दोस्तों कि किस तरीके से हमको निकालना है कि 20% लोड है अगर हमारा, यानी कि कितने परसेंट, कम से कम 40% लोड होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी कनेक्शन, मोटर के कनेक्शन किस में चलाएंगे, डेल्टा में चलाएंगे। अगर इससे कम लोड है ना हमारी मोटर पर, तो आप तुरंत उसको क्या करें, स्टार में कनेक्शन कर दे। तो आप, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कब अब हमको अपनी मोटर स्टार में चलानी है और कब डेल्टा में चलानी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, अगर 40% तक लोड है तो आप चला सकते हैं डेल्टा में। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी मोटर के कनेक्शन स्टार में करोगे, तो आपकी जो जो ओएलआर लगी होती है हमारे कॉन्ट्रैक्टर पर, यानी कि हमारा जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के नीचे ओएलआर लगी होती है, जिससे हमारे वायर निकलते हैं जो हमारी मोटर में जाते हैं, तो उसकी ओएलआर की सेटिंग भी आपको स्टार के हिसाब से ही करनी है। यानी कि उसके एम्पियर हमने डेल्टा के हिसाब से सेट किए थे ज्यादा एम्पियर, तो उसको हमको घटा के क्या करना है, हमको स्टार, जो हमारा स्टार कनेक्शन है, उसके हिसाब से उसकी OLR की सेटिंग करनी है, और तब हमको क्या करना है, अपनी मोटर को डेल्टा में, सॉरी दोस्तों स्टार में चलाना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्टार में कब चलाना है, तब अगर हमारी मोटर पर 20-25% लोड है। अगर 20-25% से ज्यादा जाता है, या 30 से भी मान ले, 30% आप ले लो, 30 से अगर ज्यादा लोड जाता है, तो हमको अपनी मोटर चलानी है डेल्टा में दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक वीडियो देखना पसंद करते हो, तो हमारे ग्रुप चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।